G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समिट के दूसरे दिन दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे। सुनक ने यहां अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ स्वामी नारायण के दर्शन किए थे। उससे पहले एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो एक प्राउड हिंदू हैं और उन्होंने इच्छा जताई थी कि भारत में रहने के दौरान वे यहाँ के किसी मंदिर में दर्शन जरूर करना चाहते हैं। ऋषि सुनक के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान दिया है। उन्होंने खुद को प्राउड हिंदू बताया है। ऋषि सुनक के साथ अपना एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, हमारा ओरिजिन अलग हो सकता है लेकिन हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। गीता गोपीनाथ क्या हैं ये हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको ऋषि सुनक का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने प्राउड हिंदू होने को लेकर दिया था। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakhis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. आपको बता दें कि ऋषि सुनक अपने हिंदू होने की पहचान पर हमेशा गर्व करते रहे हैं। वे पिछले साल अक्टूबर में UK के पहले हिंदू PM बने हैं और तब से लगातार अपने हिंदू होने की बात वे गर्व से कहते रहते हैं। वे कलावा पहनते हैं, गाय की पूजा करते हैं और दीपावली पर दीप चलाते दिखते हैं। अब आइए आपको गीता गोपीनाथ के बारे में विस्तार से बताते हैं। गीता मौजूदा IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह IMF में दूसरे नंबर का पद है। वह इस दायित्व को संभालने वाली पहली भारतीय महिला है। वे IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट भी रही है। गीता गोपीनाथ RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी भारतीय हैं। गीता दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों में से एक मानी जाती हैं। उनके पास शानदार अकादमिक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता है और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। व्यापार एवं निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट, मुद्रा नीतियां, कर्ज और उभरते बाजारों की समस्याओं पर उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा शोध पत्र भी लिखे हैं। गीता बेशक अभी अमेरिका में रहती हैं, लेकिन वे मूल रूप से भारतीय हैं। उनका जन्म भारत में ही हुआ था। गीता ने उच्च शिक्षा के लिए इकोनॉमिक्स को अपना विषय चुना। उन्होंने 1992 में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इसी विषय में मास्टर्स भी किया। 1994 में वह वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी चली गईं और साल 1996 से 2001 तक उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की थी। PhD पूरी करने के बाद शिकागो यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, बतौर टेन्योर प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक वह सिलसिला चलता रहा। अमर सेन के बाद वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बनी। 2016 से 2018 में केरल के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के तौर पर उन्होंने काम भी किया। गीता गोपीनाथ के हिस्से में कई उपलब्धियां हैं। 2014 में IMF ने उन्हें 45 साल से कम उम्र के शीर्ष 25 अर्थशास्त्रियों में से एक चुना था। 2019 में उन्हें देश से बाहर रहने वाले भारतीयों को दिए जाने वाला सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वहीं 2021 में फाइनेंशियल टाइम्स ने गीता गोपीनाथ को 25 इन्फ्लुएंशियल्स वुमेन ऑफ द ईयर के तौर पर चुना। गीता गोपीनाथ का हिंदू धर्म और भारतीयता से गहरा लगाव है। वे भारत आने पर अक्सर साड़ी पहनना पसंद करती हैं। हाल ही में वे G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आई थी और उनकी मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई। उस समय भी उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। समिट के सफल आयोजन के लिए उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। गीता अगले साल जनवरी में अपनी नौकरी छोड़ देंगी और वापस हार्वर्ड लौटकर पढ़ाने चली जाएंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ द भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।